सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थी आहे अच त बुधाए को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जे वेबसाइट ते हिक बे जो प्रोफाइल पसंद कन था एं जे गालण में हिचकिचाइन था त रिश्तो.com हुनन जी मीटिंग कराए गाल बोल के अगे वधाइन आइन एं जे गाल ठई त शादी फिक्स रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर के शासकीय सेंट्रल हॉस्पिटल में कल एक नर्स ने एक वृद्ध व्यक्ति पर कार चरा देने की घटना के बाद वृद्ध व्यक्ति के गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दे, नर्स के कार के शीशे तोड़ डाले। उल्लासनगर कैंप 4 के आशेड़ापाड़ा निवासी 65 वर्षीय मगन तोताराम बैसा ने, जो मोल मजूरी का काम करते हैं, 25 जून शनिवार को सेंट्रल हॉस्पिटल में किसी परिजन के डेथ होने के चलते वहां पहुंचे थे और हॉस्पिटल की एक जगह साइड में बैठे हुए थे। सेंट्रल हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स कविता प्रवीण निमजे अपनी कार को हॉस्पिटल में पार्क कर रही थी। कार का नंबर MS05DE0838 है। पार्क करते समय रिवर्स करते वहाँ बैठे मगन तोताराम बैसाणे के पैर पर नर्स ने कार को चढ़ा दिया और बुरी तरह से बैसाणे के पैर को रौंद दिया, जिससे उनके पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद बैसाणे के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और नर्स के कार के तोड़फोड़ करते कार के शीशे तोड़ डाले। सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने इस मामले में नर्स कविता प्रवीण निमजे के खिलाफ IPC की धाराओं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं नर्स कविता निमजे के कार में तोड़फोड़ करने के चलते सेंट्रल पुलिस स्टेशन में रोहन रवि ब्राह्मणे के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दो नंबर गेट, एक थे, एक नंबर गेट है, तो एक लेडी डॉक्टर ने नाली गाड़ी चालवता है, एक नहीं चालवता है, वातावरण तिला सांगत होता इकडे पार्किंग कर, तिने एवढा हे केलं की डायरेक्ट अंगावरच गाडी घेतली। सासरेत ते माझे, त्यांचं नाव आहे मगन तोताराम बैसाने। ॲक्च्युली सकाळी आमच्या इथे एक मयत झालेली, ते मयत न्यायचं होतं बारामतीला, म्हणून हे सगळे आले होते इथे, हे सगळे आले होते इथे, सगळे बसले होते, तर सासरे तिथे बसले होते ओट्यावर, नर्स होत्या इथल्या हॉस्पिटलमधल्या, त्यांनी ते हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्याकडे 4-व्हीलर होती, त्यांनी ती रिवर्स घेत होते, ते रिवर्स घेताना ती डायरेक्ट ती त्यांच्या अंगावर घेतली, त्यांनी त्यांच्या पायावरती घेतली। मला आता त्याची भरपाई करून पाहिजे आणि त्या नर्सवरती गुन्हा दाखल करायचा आहे मला। त्यांच्या पायाची पूर्ण चारही बोटं गेलेली आहेत, पूर्ण ती बोटं कापल्या गेलेली आहेत त्यांची, खाली तळपायाला जखम झाली आहे, दुसऱ्या पायाला लागलेलं आहे त्यांचं। नाही, हॉस्पिटलवाल्यांनी फक्त आता सध्या तरी आमचं पोलीस कंप्लेंट झालेली आहे, त्यांनी गुन्हा दाखल करून घेतला आहे, आमची नावं वगैरे घेतलेली आहेत, अजून त्या नर्सला भेटायचं बाकी आहे, तिला तिथे बसवून ठेवलेलं आहे। उल्लास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राइब करे, बेल आयकॉन दबाय और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।